नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं यह आजमगढ़ जिले के अलग अलग क्षेत्रों का है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जमातियों के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी और पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया, उसके अलावा लॉकडाउन होने के बाद भी जब लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, जगह जगह इकट्ठे हो रहे थे, लगातार पुल बिना काम के भी घर से बाहर निकले थे, ऐसे लोगों के निगरानी करने के लिए यह ड्रोन उड़ाया गया। और इस ड्रोन के ज़रिए अब पुलिस और जिला प्रशासन पूरे आजमगढ़ पर अपनी नज़रें रखेंगी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस ड्रोन के ज़रिए यदि आप कोई भी ऐसी गतिविधि करते हुए मिलते हैं जो लॉकडाउन में सही नहीं है, या फिर कुछ इधर उधर की हरकतें करते हैं, या किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो आप सीधे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नज़र में आ जाएंगे। इस ड्रोन कैमरे से छतों पर, छतों के नीचे, गलियों में, मैदानों में, अलग अलग स्थानों पर निगरानी की जाएगी। ड्रोन को लेकर के क्या कहा आजमगढ़ एसपी ने, आइए खुद सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। देखिए, आज कोतवाली एरिया में ड्रोन से मॉनिटरिंग की गई। आज हम लोगों ने मुबारकपुर एरिया में, जो नया पूरा एरिया है जिसको हम लोगों ने एज ए हॉटस्पॉट चयन किया है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ से 4 पॉजिटिव केसेज आए हैं कोरोना के, उसमें से 3 वहीं रुके थे और 1 उन लोगों की संगत में आया था, और ये चारों लोग पॉजिटिव हो गए। 3 उसमें जो दिल्ली से आए थे वो पॉजिटिव हो गए, इसलिए हम लोग ड्रोन से इसकी मॉनिटरिंग करा रहे हैं। कम्प्लीटली हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया है, किसी को निकलने की इजाज़त नहीं, उस एरिया को हम लोगों ने बैरिकेड करा दिया है। ये देखने के लिए हम लोगों ने ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गली कूचे में लोग इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के ऐसा कर रहे हैं, या कहीं और भीड़ इकट्ठी हो जा रही हो। तो आज हम लोगों ने ड्रोन से इसकी मॉनिटरिंग की और देखा कि कम्प्लीटली लॉकडाउन है, कोई अपने घरों से निकल नहीं रहा। इवन हम लोगों ने पैम्फलेट भी छपवा करके जगह जगह पोस्ट करा दिए हैं ताकि लोग अलर्ट हो जाएं, अपने घरों से ना निकलें, और प्रशासन उनके सब्जी के लिए और जो राहत सामग्री है उसको देने के लिए अलग से हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी है, जो जा कर के डोर टू डोर डिलीवरी कर रहा है, किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। इसमें सर मस्जिद और मदरसे भी नज़र रखा जा रहा है। देखिए, हमारा ड्रोन है, ड्रोन से हर जगह हम मॉनिटर कर रहे हैं। हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल या मदरसे या मस्जिद में लोग इकट्ठे होकर के और धार्मिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।